में आते हैं, जब सारी आत्माएं आ जाती हैं। ये बाबा ने मुरली में कहा है, राइट है। क्योंकि काल सतयुग है हद और कलयुग है बेहद। क्यों है कलयुग बेहद? क्योंकि कलयुग में सारी आत्माएं परम धाम से आ जाती है। और मैं तभी आता हूं, पहले मैं आऊं तो सारी आत्माएं होंगी नहीं, तो मैं तो हद का पिता कहलाऊंगा। मैं हूं बेहद की आत्माओं का, क्योंकि हद की जो आत्माएं रह जाएंगी वो तो पार्शियलिटी करेंगे ना, कहेंगे बाबा ने पार्शियलिटी किया। तो परम पिता परमात्मा कहते मैं जब आता हूं तो सारी आत्माएं परम धाम से नीचे आती हैं। जो लेट आने वाली आत्माएं हैं उनको भी मेरे से संदेश लेने का अवसर जरूर मिलता है, नहीं तो वो आत्मा कंप्लेन करेगी, प्रभु आप इस धरती पर आए थे, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे को आपने अपना नहीं बनाया, या ये सत्य ज्ञान नहीं दिया। मैं भी मेहनत करता, मैं भी स्वर्ग के लायक बनता, परंतु हर आत्मा को परमात्मा से ज्ञान लेना ही लेना है, चाहे वो डायरेक्ट ले चाहे वो इनडायरेक्ट ले। डायरेक्ट लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे, और जो इनडायरेक्ट लेने वाले हैं, गुरुओं के माध्यम से लेने वाले हैं, वो इनडायरेक्ट वापुर कलयुग में आएंगे। जिस गुरु के माध्यम से वो ये ईश्वरीय ज्ञान सुनने को तैयार होंगे, वो आत्माएं उसी प्रकार से अपना, ठीक है। तो अभी सब आत्माएं आएंगी, हर आत्मा परमात्मा से संदेश लेगी, किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझने के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करेंगे। ओम शांति।